Namaste, 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 namo namaha. Ya dev sarvabhutesh shakti rupena samstita. Namaste, 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 namo namaha. Ya dev sarvabhutesh vidya rupena samstita. Namaste, 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 namo namaha. Ya dev sarvabhutesh shanti rupena samstita. Namaste, 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 namo namaha. Namaste, 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 namo namaha. ओम श्री माता शरणं मम, ओम श्री अरविंद शरणं मम, ओम सावित्री बुक 3 कैंटो 2 द एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर. A heart was felt in the spaces wide and bare. A burning love from wide spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death. To err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by her look. A face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs. The boundless joy the blind world forces see. Her body of beauty mooned the seas of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round, the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word. The magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns. The light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness's home. All contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion gropes. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all through her. ओम सावित्री, ओम सावित्री, ओम सावित्री. करुणामयी परम प्रभु श्री अरविंद, बहुत दिन परे हमें श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट राउरकेला आनुकूल्य जो धारावाहिक मासिक कार्यक्रम आध्यात्मिक आलोचना गीता निबंध माला पर चली आसला तार को संपन्न कर तेणु ये अवसर में ट्रस्टर समस्त पदाधिकारी मुख्यतः ट्रस्टर मैनेजिंग ट्रस्टी प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महांति, डॉक्टर जोत्स्ना पटनायक एवं जे आमर कोषाध्यक्ष भाव में कार्य करतीश चंद्र उद्गाता, विशिष्ट प्रशासक संस्कृतिविद महेन्द्र कुमार पटनायक तथा डॉक्टर किशोरी दास और अन्य समस्त जो मैंने
ट्रस्टर प्रमुख व्यक्तित्व भाव में कार्य कर समस्त श्रद्धार सहित स्मरण करशार कोण अनुकोण कार्यक्रम सहित निजक दीर्घ दिन धरी जो मैंने सामिल कर समस्त को माँ कृपा आशीष मिलू थ एक अभीष्ट करणाची आम श्री अरविंद प्रणीत विश्वविख्यात ग्रंथ गीता निबंधमाला जहाँ को आम इंग्राजी एसेज ऑन गीता कहचे तार 15तम अध्यायर जो विषय थिला जो अवतारत्र संभावना और उद्देश्य से विषय रे आलोचना करूथिले जेहेतु आम निष्पत्ति करथिले ए आलोचना गुड़िक आम गोटे सारांश न आलोचना करी गोटे गोटे डिटेल बा विशद भाव में आलोचना करवा से दृष्टि गोटे गोटे अध्याय आम तीन चार क्लास को सब विनियोग करछु तेणु आज आम मध्य अध्यायर जो अवतारत्र संभावना उद्देश्य गोटे अंश को आज आलोचना करवा ओडिया बहरे पृष्ठा 185 अर्थात इंग्रजी प्रबंधर शेष भाग आड़ को आम आलोचना टी केन्द्रित करवा आम एक जाचु जे जगत को ससीम एवं असीम यह दुईटी गोटे विभाव भितर आम अनेक समय बांटित आउ ससीम है से दृष्टिकोण जो दृष्टिकोण से मनीष असीमताटर सन्धान कर पारे ना असीमता टी तार कल्पना भितर को तार भावप्रस्त भितर को आनी पारे ना प्रकृत अभिव्यक्ति गुड़िक ससीम असीम अभिव्यक्ति गुड़िक गोटे व्यक्तिर चेतनार मूल्य सहित संपर्कित हो रही तेणु जो मैंने सब बेले गोटे ससीमता भितर फाइनाइटनेस भितर रही था तेणु भगवान जो विराट विश्वरूप ताको परिकल्पना करिवा संभव हो पारे ना जो कथाटी भगवत गीतार जो ब्रह्म जो भगवत दर्शन जो करे रही जोटी प्रभु निजे दर्शन देखते ब्रह्म विश्वरूप देख दर्शन करते पर्यंत अर्जुन को एक ससीम दृष्टि रही असीम दृष्टि प्राप्त हवा द्वारा संभव नाला कितु जितेबाला ससीम दृष्टि भितर मानव शिष्य अर्जुन प्रभुंर एक विराट रूप को विश्व को दर्शन कले भितर से असीमत्वर दृष्टि स्थापित है एवं आमे सबु आध्यात्मिक प्रयास आध्यात्मिक साधनार एक मूल भित्ति रूप से यही बिंदुटी को प्रकृत प्रयोग करछु आमे आमर सीमितता भितर एक असीमत्व भितर को यात्रा करछु गोटे खंड विभाजित चेतना एक अखंड अविभाजित अपरिमेय चेतना आड़ को सब बेले गति करुछि तेणु मनुष्य को जदि आमे निर्दिष्ट भाव में देखिबा ताले निजे से असीम नुहे ता भितर ससीम चेतना रही मनीष सब बेले निजक असहाय मन करे क्षुद्र मन करे ता पाखे किसी शक्ति ना तार किसी सामर्थ्य ना एवं गोटे सुपर नेचुरल पावर रही गोटे विश्व शक्ति रही नियंत्रित करुच्ची सब बेले प्रभावित करुच्ची तार जीवन टी नियंत्रित करुच्ची ये गोटे धारणा रही था किंतु जदि प्रकृत तार ज्ञान दृष्टि हुए ताले से भल भाव बुझिपार जे यही असहाय मनीषटी वास्तव में स्वयं एक विश्व सत्ता किंतु से भाई गोटे ज्ञान को आसवा निम्ते यसीम भितर असीम भितर को यात्रा निम्ते
जो यथाथ प्रयास आवश्यकता रही नक पर्यंत आम यही गोटे संभावना को आम निज भितर केवल भाषा सीना कहीदे कि प्रकृति में अनुभूतिर स्तर में सीटा अभिव्यक्त हेना तेणु जे मुझे स्वयं एक विश्वसत्ता एवं ईश्वर आम समस्त भितर अभिव्यक्त होती भगवान उपस्थिति आम भितर रही एक अनंत असीम गोटे व्याप्तगत व्याप्तिगत चिंता व चेतना भितर प्रवेश करिया मनीष पक्षे सर्वाद जटिल किंतु जिते बड़े आम अभिव्यक्तिर पंथाटी को पद्धति को विकसित करूँ आवर्तनर पथरे जाऊ प्रकृति चेतनार सर्वोत्तम उत्तरण टी संभव ताले ये कथा गुड़िक संभव हो पार तेणु से निजर आत्मार संधान करेणु आत्मा निकटने पहुँचवार यो अर्थात आम विशालता निकटने पहुँचुचु असीमत निकटने पहुँचुचु अनंत निकटने पहुँचुचु तेणु आत्मा निकटने पहुँचवा गोटे फैशन नुहे आम पिला बहुत समय पढ़ु आत्मा जी पाइजा आम सब पाइल मुझे तो किसी बुझे ना मुझे भावे आम सब भाव छोट बे बेलून कि चकलेट भाया गोटे किसी आकर्षण वस्तु होटा पाइले आम भल लगे कि प्रकृत में विशेषपर नुहे ये मरणशील जगत में अमरत्वर सन्धान करवा आम य खंडित जो जड़ चेतन रही गोटे विश्वायित अनंत चेतन एवं असीमत्व भितर को अमरत्व भितर को यात्रा करिवार ये हूँ पंथा आत्मा सहित प्रकृत में आमर वास्तव अनुभूतिगत अभिव्यक्ति गत एक प्रकार तादात्म्य एवं आमे जदि आत्मा कहले कौन बुझुचु ता स्वप्रतिष्ठित सेटा गोटे आम तो खोजिक पाइबान से कौट बस चिलुची कि नुहे से स्वप्रतिष्ठ अर्थात सी सेल्फ एक्जिस्टेन्ट से रही सी हूँ चेतनार अनंत शक्ति आ कौन करती ना आम चेतनार अपार आनंद आम अस्तित्व अपार आनंद किंतु जेहेतु आम भितर आत्मिक जीवन अनुसंधान हो बा मनीषटी स्वाभाविक भाव आध्यात्मिक नुहे से अपार आनंद तो दूर कथा सामान्य आनंद भी ता भाग्य जुटुना ताले आत्मार जदि स्वरूप यहीपरि ताले आमे जो मैंने आत्मार संधान पाई से मैंने आम को ये धारणा सब दे किंतु मनुष्य जी जगत सहित जो संबंध टी आज स्थापित करिछि विश्व सहित मनुष्य जेतिक भी संबंध रही तार आत्मा कारण तार से चेतना कारण एवं शरीर होची बा जिते सब जड़ीभूत अवस्था में देखुचु जड़ देखुचु वस्तु मान को देखुचु एम केवल से सचेतन सत्तार एक पुंजीभूत क्रिया तेणु जिते पर्यंत आम देखा जे यहाँ गोटे कंडेन्सर फर्म्रे चेतनार गोटे संगुप्त रूप से शक्तिर एक संगुप्त रूप से ये जड़ मैंने विद्यमान रही आम शरीर मध्य से गोटे व्यवस्था असीमंकर एक व्यवस्था अनंतंकर एक व्यवस्था सामान्य व्यवस्था नुहे एवं जेहेतु आम ताकू दृष्टिकोण रू बुझिना प्राणी मैंने शरीर को जमी व्यवहार करती जदि चेतनशील मनीष मानसिक उच्चता को जापार मनीष से शरीर को मन कै तो विषय विलंबित हो किंतु आमे जिते बड़े इंद्रिय शक्तिर विकास हो देह भितर इंद्रिय शक्तिर विकास टी अन्य प्राणी मानकर है ना से माने जदियो देखुचंती किंतु ताको विश्लेषण करि पारनांती से भली से माने सुनंती किंतु ताको अप्रिशिएट करि पारनंती गोटे मईसी चाहिए गोटे गीत को अप्रिशिएट करि पारिवने गोटे गंध चाहिए गोटे चित्र को अप्रिशिएट करि पारिवने ए जो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन आम जो इंद्रिय जरिया रे करूछु सेटा होची आमर मनुष्य हबार एक बड़ विभूति एक बड़ विशेषत्व तेणु यही जड़ शरीर भितर इंद्रिय मानकर विकास हो इंद्रिय मानकर सामर्थ्यर जिते जिते विकास हो तार उच्चतर स्तर मनोबुद्धि पर्यंत ये सबकि सत्य को
आम निकट को निकटतर कर सत्य सन्धान एगुड़िक सहायक होती कि जगत में अनेक लोक एवं रही जो मैंने इंद्रिय को आर मनोबुद्धि को यही सत्य सन्धान लगाती ना से जीवन जो अनेक कथार व्यस्त था आने से ही गुरुत्वपूर्ण मन करती से भावती यहीटा ही प्रकृत में आम समस्त प्रासंगिक जड़े कहे मोर जड़े बड़ भाई थे से कहे दुईटा बैगण गच लगे तार जिते उपकार अच्छी भगवत गीता पढ़ले कौन उपकार अच्छे से ही समयटा मुझे कहीं आत्मार सन्धान करी आई समयटा मो मटी खोलें मत तो मो भोक मेटिव एवं भोक एक चरम सत्य चरम बास्तवता तेणु से भाई चेतन वस्तु व्यक्ति मानू प्रकृत आत्मार स्वयं प्रतिष्ठा आकर्षण टी नहला पर्यंत से भाई कथा कहते बहुत समय से कथा गुड़िक बड़ बास्तव लगे किंतु जदि आम अलग दृष्टिकोण रू विचार करवा जड़ को चेतना शून्य बोली आम जो कही आसीचु से प्रकृत जड़ कौन चेतना शून्य प्रकृत जड़ मध्य यगतर सिद्धांत सत्य विश्वगत कौन सी तत्व कार्यकारी होना सेटा भितर जदि आम देखा जे ये आधुनिक विज्ञान प्रतिष्ठा कर प्रत्येक परमाणु प्रत्येक कोष से एक इच्छा शक्ति एवं बुद्धि क्रिया रही कहीं बिना कारण गोटे बिना संकल्प शक्ति रे बिना गोटे प्रॉपर्टी आम जहाँ कौचु से कार्य करती ना तेणु आधुनिक विज्ञान यही कथाटी को बारंबार प्रतिष्ठित करुछि जे शक्ति होची सही सबू शरीर भितरे जो आत्मा रही जो अंतर्निहित आत्मा रही से अंतर्निहित आत्मार एक भगवत स्वरूप बा तार संकल्प तार बुद्धि गोटे कार्यमत्ता जो कि आम भल भाव बुझीपु जे गोटे निर्दिष्ट श्रृंखला भितर निर्दिष्ट सत्यर आधार पर ये समस्ते कार्य करते ये उदाहरण आम बहुत समय यामती इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो संबंध देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो संबंध टाको आम नियमित करुचु कि स्वयं प्रतिष्ठ एक व्यवस्था से माने परस्पर को आकर्षित करती एवं प्रोटॉन चारिकड़े इलेक्ट्रॉन माने घूरी बुलंती एवं से इलेक्ट्रॉन गुड़िक गोटे निर्दिष्ट स्पंदन क्रिया भितर परिचालित होती जमीती सौ सौर जगत तैयारी गोटे ग्रह नक्षत्र माने घूरी बुलुंट किंतु से निर्दिष्ट कक्षपथे सूर्य चारिकड़े बुलुंट ना तो से सब परस्पर सहित धक्का जाता सबकि विनाश हो जाता किपरी होना तो आम देखु ये विश्वव्यापी इच्छा शक्ति बुद्धि सर्वत्र निहित रही तेणु रूपरू रूप भितर दे शक्तिर एक निरंतर लीला चली जानतु मन करूँ आज आम शक्ति को कार्यकारी करने विश्व अच्छा पचास वर्ष पर तीस वर्ष पर आम हूँ ना कि शक्ति को कार्य करने आउ गोटे रूप थी आउ गोटे शरीर थी ये जो चिरंतन प्रक्रिया टी ऋषि मनस्क सत्ता मान जो मान पाखे से प्रज्ञा दृष्टि थी से जापारी यही हूँ अनंतता अनंतता है जो शक्तिर यही क्रियाटी के व्याहत हो ना के रोक जाऊना आमे आम शरीर में देखले किसी बाट गले पचास वर्ष षाठी वर्ष आम से गोटे खंडित चेतना भितर को आसुचु जन्म मृत्यु पर्यंत आम आम अस्तित्व को स्वीकार करुचु किंतु जो मैंने प्रकृत द्रष्टा से माने जानती जीवन प्रकृत स्वरूप गोटे देह भितर प्रतिभात होना अभिव्यक्त होना से देहरु देह को तार यात्रा अच्छी तेणु ये आत्मार ये जो यात्रापथ तार भितर विश्वर शक्ति गुड़ी विनियोग करवा से तत्व निकट से सत्य निकट में पहुँचवार जो ताखे एक आकृति रही एक स्वाभाविक संकल्प रही जो इच्छाशक्ति रही बुद्धिटी से दिगरे जो चालित हो कथाटी आम स्पष्ट भाव देखिपु तेणु आम कितु एक स्वीकार करूँ आम समस्त पाखे अपूर्णता रही
सीमा रही निम्न स्तर रही आम मनुष्य को निम्न कोटीर मनुष्य एवं उच्च कोटीर मनुष्य भाव में भाग करुचु जदिओ भगवान अस्तित्व से ही निम्न कोटीर मनीष मान भाई अच्छी किंतु ता सत्वे कहीं घटू घटू जे जो मैंने भगवान सहित एकात्मता को हासिल करपलब्धि करनतर सन्धान करसीमर सन्धान करेणु से आम गोटे उच्चकोटि दौचु आउ जो मैंने तार सन्धान करूना से विषय में किसी जापार ना आम से अभिव्यक्तिर एक अपूर्णता कहचु कितु अदिव्य बोली कही प्रत्याख्यान करूना आम तो कहचु अपूर्णतार गोटे अपूर्णता जी एपर्त अभिव्यक्त होना जी अभिव्यक्त होना तार अर्थ नुह से दिन अभिव्यक्ति लाभ करना प्रकाशित हम ना से जापर ना एमती तो हम ना तो आम बाह्य चेतनार जो सीमितता रही से आम व्यक्तिसत्तार जो स्वभाव रही नियंत्रित करे एवं एथिपाई जीव आउ जीव मध्यरे व्यक्ति और व्यक्ति मध्यरे प्रकृति रे बहुत विभिन्नता रही किंतु जदि आम सब कथा को भल भाव भगवद गीतार से ही श्लोक गुड़ी को खूब भल भाव अध्ययन करवा जहाँ धरतु अठरतम अध्यायर एकसठतम श्लोक श्रीकृष्ण कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति सबु भूत मानंकर सबु जीव मानंकर हृदय मध्यरे भगवानंकर उपस्थिति रही तिष्ठति ईश्वर सेठारे बास करते भ्रामयन सर्वभूतानि सबु जीव मानंक मध्यरे से भ्रमण करते तले आमे जो मानकु निम्न कोटीर कहिले आम आमे अपूर्णतार बा अभिव्यक्तिर अपूर्णता बोली कहउचंती तो सेठी तार अर्थ नुहे जे तांक भितरे ईश्वरंकर भ्रमण हो नाही भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तेणु प्रकृतरे ई जो भ्रम बा ई जो विचरण ताको समस्ते जानी पारंती नाही काहेकि जानी पारंती नी ना आमको सर्वभूत जंत्ररूढ़ आनि माया माया द्वारा सबकि जंत्रारूढ़ रही से आम को गोटे मेकानिकली परिचालित करम को लगुच किंतु तर जीवंत उपस्थित आम प्रकृत जापारण एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथाटी है जे जीव मध्य जीवंत उपस्थित सत्वे पुणी सामान्य नुहे भगवान जे प्रेमर सगर जे गुणर सगर जे अनंत जे असीम तांकर उपस्थिति सत्वे आमर अहं चेतना आमको कौन करदे क्षुद्र करदे आम से मोहित हो गोटे कथा को एक उदाहरण भाव नहीं पारे आम जानो सूर्य हले मार्तंड कई अटक पारे ना ज्योति इति प्रचंड आती प्रबल जे ताक रोक जापरना कि सामान्य मेघ खंड गोटे से कौन करे सूर्य को आच्छादित करदे आ सूर्य एक देखिए दीपर भी केंधार हो जाए आप टर्च लाइट खोजे कौट लाइट जल खोजे तेना मेघर एत शक्ति से ही मेघ तार भर जन्म हो सूर्य करुणा दयारे समुद्र पृष्ठ जलकणिका मान जा मेघ तैयारी जो मेघ तैयारी तारी सीए कौन कर सूर्य को मध्य रोक से जी भगवान जे आमर अहं को प्रतिष्ठा करिछंती किंतु आमे मध्य आमर अहं को द्वारा एत प्रभावित होचु जे से आत्मा भली महान सूर्य आम अहंग्र मेघ द्वारा लुचि जाउचंती तेणु याठरो अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण आ किसी न थी पारे से आम जो देखा ये जगत रे जो भी किसी कर्म संपादित हो सब किसी कर्म गुड़िक मुख्यतः आम धारणा भितर से आसुना किंतु जदि बहुत दिगर ये कर्म गुड़ी को विचार करिवे ताले देखिवे दिव्य कर्म संपादन पाई प्रकृत रे
से कौन करिछंती ना काहा को माया द्वारा तार ज्ञान को अपहृत कर ज्ञानटा प्रदान करिछंती पुणी केते बळे से अंतराल को चली जाइछंती केबे पुणी प्रत्यक्ष हो जाइछंती ताले आमे एक कथा देखुछु जे निज प्रकृति रे सीमाबद्ध मनुष्य से कौन करुछि एही उद्देश्य टी को बुझिबारे अनेक समय रे प्रयास करु नाही बा जदि जदि सत्यर एही प्रकृत पूर्णता बा तार जो सामर्थ्य सेटा मनुष्य पाखरे प्रकृत रे प्रत्यक्ष हो नाही प्रतिभात हो नाही ता अगर स्पष्ट हो नाही तले मनुष्य सही वाली अपूर्ण मनुष्य ही रहइबो अक्षुद्र मनुष्य ही रहइबो सीमाबद्ध मनुष्य ही रहइबो तेणु भगवत गीता कहते मनुष्य जो अपूर्ण भाव कर्म करुच्छे तार प्रकृत कारण कौन प्रकृत कारण है से प्रकृतिर जांत्रिक मायारे जांत्रिक क्रियार अधीन हो रही प्रकृति जमीती कई नौ सेमती करती से गीत गाए ना दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाण तेणिकी जाए तो सत्य जपरी मनीषर आजस्व गति ना एवं केवल प्रकृतिर क्रिया द्वारा से परिचालित हे जिते बड़े प्रकृति को रजगुण संपूर्ण करुच्ची से रज गुणी हो जाऊँ जिते बड़े सत्वगुणी परिणत कर सत्वगुण अधीन रोचे बड़े तम गुण से पकई दूसरी से तम गुण से पड़ू आलस्य निद्रा भितर निरुत्साहजनक परिस्थित भितर को आसी जाए अन्यटी है माया प्रकृतिर जोग माया शक्ति एवं ये दुईटी शक्ति प्रकृत रे गोटे कार्यकारिणी शक्ति से माने कार्य करने ये उपस्थित अच्छा बिना कारण गोटे बाधा तैयारी करने बोधे ना तेणु यहाँ भगवान शक्तिर दुईट परिपूरक दिग परस्पर सहित कम्प्लीमेंटरी एवं मायाटी जदि तक मूल स्वरूप आम ना मूल स्वरूप एक भ्रम नुहे आमे जदि देख माया माया कहले गोटे ड्रामा को नहीं पार गोटे अभिनय को नहीं पार तो जदि यहाँ गोटे अभिनय तो अभिनयटा तो आनंददायक जिनसटा ना अभिनय गोटे जोटी गोटे ड्रामा हो गए लीला प्रदर्शित हो जगार आनंद हवा कथा किंतु ये निम्न प्रकृतिर जो अज्ञानता रही मोहग्रस्त हो जाए से जो क्यारेक्टर सहित भूमिका निर्वाह करुच्छे से तार गोटे भ्रमर आभास भितर या कथाटी को स्पष्ट करने गोटे उदाहरण दे मन करूँ जात्रा पार्टी जन लोक राजार अभिनय करते आका पाईगला जो ड्रामा सरीगलापर भी जब सी निजी राजा मन करती से गोटे उपहास कथा हे कारण जिते पर्यंत ड्रामाटी चलुला नाटकटी चलुला मंच थिला सेते पर्यंत ड्रामा ठीक थिला जमीती कि आम देखा आम देश में जन प्रधानमंत्री अच्छा जदि सी भावे जे जन्म जन्म धरी से ही प्रधानमंत्री होती से भ्रम माया किंतु अवर्तमान से जब नेब जन्म ही नथिले एक देश के प्रधानमंत्री थे जोबले सी चली जाए भी देश के प्रधानमंत्री हे तो आउ गोटे अलग प्रकार हे से ही प्रकार नईपे प्रत्येक वैचित्र प्रत्येक विलक्षण प्रत्येक विशेषत्व ये गोटे नूतनत्व को सब डाकि आने कि मनीष एत मोहग्रस्त जे सी केवल जिद कै से जो भूमिकार अच्छी जोटी अच्छी जो शरीर अच्छी से ही एक चूड़ा अंतिम सत्य अटे तेणु यही है आम प्रकृतिर एक अज्ञानता भ्रमर आभास यहाँ आसिकी भागवत चेतनार जो महान शक्ति को तार आत्म अभिव्यक्ति जो विराट सामर्थ्य रही भितर आत्म अभिव्यक्ति जो निहित ही रही विश्वक्रियारे अनुभव करिवारे देखिवारे प्रत्यक्ष करिवारे बुझिवारे अनुभूति भितर को आणवे विफल हो ताले आमे देखिबा जे से कहउचंती प्रकृतिं स्वामवश्चभ्य विसृजामि पुनः पुनः मु
मो निज प्रकृति उपरे चाप दे ए प्रकृतिर शासन रे अवश्य ए सब भूत जीवगण को बारंबार सृष्टि करुछि भूत ग्रामम इमम कृतस्नम अवशम प्रकृतिं वशा प्रकृति रे समस्तंकु वशीभूत करिबा प्रकृति रे समस्तंकु वश करिबा ये वर्तमान गोटे विश्व लीला है कि रहिछि ताले मानव शरीर रे जो विराजित ईश्वर अच्छा एवं ये कथाटी को आम केत विश्वास करते संपूर्ण तो निर्भर करम मायार परिमाण पर आम के भ्रम भितर अच्छा केत बेसी आनंद भितर अच्छा केत बेसी विश्वलीलाटी को अनुभव करुचु आत्मार शक्ति को हासिल करुचु तापर निर्भर कर प्रकृत आम अंतरस्थित पुरुषोत्तम को जानिबा नहले आमे समस्ते मोहिनी प्रकृति आश्रिता ये प्रकृतिर जो मोहन मंत्र रूप रही तार जो मोहिनी रूप रही भितर आश्रित होकि आम निजक लुचे पकाचु जो कथाटी मुझी जे भि आम सब बेले गोटे उज्जवल आलोक को मध्य लुचे दे पार सूर्य को भी मेघ भितर लुचे दे पार तेनाली जहाँ प्रकृत सत्य जहाँ अखंड सत्य जहाँ अनंत सत्य तामर अहंगत चेतना भितर वमर अहंगत भूमि प्रकृति में कौन हो ना आवृत हो जाए अनावृत कर शक्ति मनुष्य पाखे ना आप देखिए सप्तम अध्याय जो श्रीकृष्ण बाणी सब आसी जो थे संपूर्ण भाव से कहते न अहं प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता तेणु से निजक योग मायारे समावृत कर रखती यहाँ प्रयोग यहाँ टेक्निक यहाँ कौशल से निजक पूरा प्रत्यक्ष कर दिखती ना समस्त भाग्य से संपर्क धारणा तैयारी करवा संपर्क सत्यटी को जानवा संभव होना कारण सी निज भितर आवृत हो रोचार गीतार जो त्रिगुणमयी सत्व तम रजर कथा मुझको कहती तेणु ये जो गुणात्मिका दिव्य माया रही सत्व रज तमर से गोटे गुणात्मिका दिव्य माया को अतिक्रम करवा सर्वाद दुसाध्य जदि यहाँ दुसाध्य असाध्य असाध्यता और दुसाध्यता भितर मुक्तिर उपाय कौन तेल तो मनीष चिरदिन केवल से अंग जोग माया द्वारा आवृत हो रही थो सत्यटी को देखी पार ना सबुद मेघ ढाक रही थो कि सूर्य कौन के आसबे ना तो सूर्य आसवर सत्य आसवर एक मात्र बाट हूँ जे जो मैंने से मैंने माया को अतिक्रम करती जो मैंने प्रकृत में मोर शरणापन्न हूँ से भगवद गीतार महान बाणी है सर्वधर्मान परित्यज्य महामेक शरणं भज तेणु आम जो श्री अरविंद जोग से जोगर अन्य नाम हूँ समर्पण जोग ताले आमे कौन पाई समर्पण करवा जे आमे सत्य द्रष्टा हवाक चाहूँ आम सत्य को संधान करी सत्यर लक्ष्य निकट उपनीत होगा चाहूँ ये गोटे संकल्प को आस्पृह को जहाँ अति दूर आम जीवन में आम जहाँ को संभव करना सी कि भाव संभव हम से कथाटी को आम प्रकृत साकार रूप पाइबापी तार एक प्रत्यक्ष रूप पाइबापी माँ को शरणागति लाभ करवा माँ पाखे शरण में जवा समर्पण करवा ताफल आम भितर आसुरिक जो प्रकृति रही निम्न प्रकृतिर जो लीलाखेला रही ता प्रकृति दूरीभूत हो पार एवं आम भितर जो भागवत चेतना अंतर्निहित रही आम भितर भगवान जो उपस्थित रही जहाँ माया द्वारा आवृत ही रही जहाद्वारा आम आत्मज्ञान अपहृत हो रही तो से सबू जंत्रवत क्रिया अहं भ्रम ये सबुति मनीष मुक्त हो पार एवं जदि आम से अंतरस्थ गोपन प्रभु अभिमुखी हवा आम अंतर्जामी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से जापर या भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती एवं
भगवान श्री अरविंद ताकु प्रति परिभाषित करछन्ती एवं से ताकु आमे जदि आम ऑफिस भाषा रे कहबा एंडोर्स करछन्ती से सेटा को समर्थन करछन्ती से जिनिस को दृढ़ीकरण करछन्ती जे हां एटा संभव ताले आमे ता भीतर आम कर्तव्य टी को वर्तमान स्थिर करि परछे प्रकृत रे से सप्तम श्लोक रो सप्तम अध्याय 13 14 15 श्लोक गुडी करे कोन कहा जाय छी जे न मांग दुष्कृति न मुढ़ा प्रवर्जन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानं असुरं भवमाश्रिता माया द्वारा जो मानकर ज्ञान अपहृत हो जाय छी से माने केवल असुर भावरे आश्रित होई के रही छंती अर्थात आमे वर्तमान गोटे कथा लक्ष्य करिबा एई जगत रे एते जीव जन्म होचंती एवं अवतार मध्य जन्म ग्रहण करछंती एवं भगवानंकर ए जो कार्य विषय रे गीता उपनिषद वेद अन्यन्य बहु शास्त्र रे रहिछि ये सब गुडी को आमे यदि देखिबा जे से माने ए असहाय भाव प्रकृतिर अधीन होइके कोन सतरे ए भली सब संगठित होउछि ना ता पचर किछ उद्देश्य निहित अछि जहार स्थापना करिया पई प्रभु श्री अरविंद ई प्रबंधटी अवतारण करिछंती अवरात अवतारत्वर संभावना को उद्देश्य अर्थात एठी बिना उद्देश्य रे बिना कारण रे बा कोनोसी तत्वहीन गोटे उद्देश्यहीन कार्य हो नाही तेणु मु निजकु सृष्टि करे से कहते आत्मान सृजामि मु निजकु सृष्टि करुछि अर्थात ये सृष्टि प्रक्रिया भितरे ध्वंस प्रक्रिया भितरे विकास प्रक्रिया भितरे तांकर सत्य ही प्रकृतरे कार्यकारी होउछि तेणु आमे जोटा को प्रक्रिया बोली बुझौछु सेगुड़ी कहला जे तांकरी आयत्तकारी शक्तिर एक बड़ प्रभाव द्वारा नियंत्रित होतवा विश्वक्रिया एवं एही विश्वक्रिया रे जदियो प्रकृति जंत्रवत कार्य करुछि एवं चालित होउछि किंतु सेमाने केही कर्मर प्रभु नहंती कर्मर प्रभु आमे तांकु जानिया पई जब देवता माने प्रयास करिछंती ऋषि माने प्रयास करिछंती एवं शेषरे सेमाने पाउछंती जे सबुर अंतर भितरे सबु भितरे गोटे अधिष्ठात्री देवता रहिछि गोटे अधिष्ठान रहिछि गोटे केन्द्र रहिछि एवं से केन्द्र ही ए उद्देश्य टिकु बा ए संभावना टिकु जगत रे प्रतिष्ठा करिछि ए जो मोबाइल बेले भाबे बसिके से कथा रे आपन गागरे स्पष्ट हो 200 वर्ष तले मनुष्य गुड़िक केते हिंसा और केते युद्ध रे विश्वास करथले आजिर मनुष्य टी सेतिक युद्ध और हिंसा पर विश्वास करू नै होय तो ता पई समाधान टी प्रेम होय तो ता पई समाधान टी सौसम्य किंतु अतीत रे जो राजा माने थिले अतीत रे जो सेनापति माने थिले अतीत रे जो सैन्य विभाग सब रहिथिला छोट छोट राज्यर छोट छोट सेना गुड़िक थिला सेमानकर मुख्य काम थिला परस्पर भितरे लड़िबा आउ से निजे हताहत होते आरवार को सब विपन्न करुले यही गोटे मानसिकता नहीं प्राणी मानसिकता नहीं कि भीषण क्रोधटा को परिपालित करवा वीरत्व कहले किए के नरसंहार करे किए के हत्या करे तार परिमाण पर निर्भर करुला कितु यही सब सब समय खंड नुआ नुआ अवतार आसी नुआ नुआ कथागुड़ी अवतारण कर मनीषर चेतना ताकु ग्रहण करिछे एवं ताकु संस्कृति रूप से परिपालित करुछे आमे देखिबा बुद्धंक समय रे अहिंसार गोटे प्रेरणा आसिला एवं एही अहिंसार प्रेरणाटी आजि मध्य केते बलवत्तर प्रेरणा काहेकि ना अहिंसा भितरे प्रेम रहिछि सहावस्थान रहिछि सहयोग रहिछि किंतु सेटा आजि मध्य विडम्बित को कारण रो जे मनुष्यर जो निजस्व जो क्षुद्र प्रेरणा रही जो मनुष्य जो क्षुद्र संदर्भ रे काम करे जो संकीर्णतार आधार रे काम करुछि मोर तोर मो जमी ता जमी मो छुआ ता छुआ
ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ଧର୍ମ ମୋ ଧର୍ମ ତା ଦେଶ ମୋ ଦେଶ ଏଇ ଆଧାରରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ତା'ର ମାନେ ଅନୁଦାତ୍ତତା ଯେଉଁଟାକି ଉଦାତ୍ତ ଭାବ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗମାୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣୋଦିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଆଲୋକିତ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମାନବତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଚେତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣଟି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ଏହି ଜନ୍ମଟି ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣର ଜନ୍ମ ତାହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆସି ଏଠି ସକଳ କର୍ମ କରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ଏକ ମାନବ ରୂପ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଏଇ ଜନ୍ମଟିକୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣର ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବତାରଙ୍କର ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଅବତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ଅବତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନବ ଜଗତ ଓ ମାନବୀୟ ସ୍ତର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ ଏହି ରେଖାର ତଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରଣ କରି ଆସିବା ହିଁ ଅବତାର ଏହି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏହି ଅପରା ଜଗତ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ପରା ଈଶ୍ୱର ପରା ଚେତନାର ଅବତରଣ ହୁଏ ଅବତରଣ କହିଲେ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ତଳକୁ ଆସିବା ତେଣୁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ସେ ଏକ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୂମିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଥିବେ ନା ବିନା କାରଣରେ ଯେମିତି ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବା କି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ପର୍ବ ହେଉଛି ସେଠି ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା ଘଟୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏକ ଆଂଶିକ ସଚେତନ ସତ୍ତା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ କେବେ ଆମେ ଚେତନାଟିକୁ ପାସରି ଦେଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଜୀବ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେବ ସେ ଅବତାରର ସମ୍ଭାବନାଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ଅବତାର କେଉଁଠି ହେଇଛି ଏହି ଅବତାରର କାହାଣୀ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୀନ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କେବେ ସେ କୁର୍ମ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ କେବେ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ଯଦିଓ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ବା ସଙ୍କେତକୁ ବହନ କରୁଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏହି ବାଟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୀନ ଆସିଲେ ପରେ କୁର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଚର ଆସିଲେ ତାପରେ ଜଳ ନୃସିଂହ ଆସିଲେ ଯିଏ ସ୍ଥଳଚର ଓ ଗୋଟେ ଉଭୟ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ କିନ୍ତୁ
ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି। କଂସ ଏକ ଅପରାଜେୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଆସୁରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ସମ୍ଭବ କି? କିନ୍ତୁ ଦିନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ସେଭଳି ଏକ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପରାହତ କରି ଜଗତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଚେତନାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଶେଷତମ ଅବତାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେତନା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସକଳ ସୌସମ୍ୟ ନିକଟରେ, ସକଳ ସଙ୍ଗତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗତି ହିଁ ତାର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ରହିବା କଥା ତାହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାର କେଉଁ ଜିନିଷଟି ପ୍ରୟୋଜନ, କେଉଁଟା ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଏବଂ କେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ତା ପାଇଁ ଦରକାର, କେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅଦରକାରୀ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଜି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଦରକାରୀ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ହାରମୋନି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଳନ ଭିତରକୁ, ଏହିଭଳି ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରକୁ, ଏହିଭଳି ଏକ ସୁସମ୍ୟ ଭିତରକୁ, ସଙ୍ଗତି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଅବତାରୀ ମଣିଷର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖୁଛୁ। କିଭଳି ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗିବାରେ, ଜୀବନର ଯତନା ଦୁଃଖ ତାକୁ ବିରହ ସବୁକିଛିକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ସିଏ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏକ ଅବତାରତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ କାରା କାହାଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଗୋଟିଏ ବାଟି ବା ତାଟିଆରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଶୌଚକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଘଟିବ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିକାରକୁ ଜୟ କଲି, ମୁଁ ଘୃଣାକୁ ଜୟ କଲି, ଫଳତଃ ମୁଁ ପ୍ରେମମୟ ହେଲି। ତେଣୁ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଐଶ୍ୱରିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅବତାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତି, ମଣିଷର ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୌର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଦିଶୁଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏବିକାଲ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଯିଏ ତାଙ୍କ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ବରୋଦା କଲେଜରେ, ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟା ଦେଖିଛ, ସତେ ଯେପରି ସେ ସବୁକିଛି ଆଲୋକକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଥରେ ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତାଙ୍କ କଥା କହିଥିବି, ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ, କହିଲେ ସିଏ ତ ଶିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବିଷାଦ କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କ ଭୂମିରେ ସବୁବେଳେ ସମତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅବତାର ବୋଲି ମାନିଛୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାରରେ ବି, ସବୁ ଅବତାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ ସମନ୍ୱିତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ, କେତେ ବଳିଷ୍ଠ, କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ। ସେମାନେ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି, ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତରିତ କରନ୍ତି, ଉଦାତ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏକ ଉଦାତ୍ତ ମଣିଷ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏଭଳି ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ଦିନେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ। ଏହି କଥା, ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୋକଶିକ୍ଷା ବଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ
उत्सर्गित करिथांति तेणु आमे ये जो दिव्य मनोहर दृष्टांत या संपूर्ण आकर्षणीय मानवर आधार भितरे मानवर आकार भितरे मानवर प्रकार भितरे एभली आकर्षणीय मनोहर दृष्टांत जी रखी जानती से माने होचंती अवतार तेणु सकल अवतार जो मैंने आम चेतनार उत्तरण दिगरे सबुदिने आम पई काम करिछंती से भली महान सत्ता को महान प्रभु को आमे प्रणाम पूर्वक आमर कृतज्ञता पूर्वक आज आलोचना को ये रखा श्रीमा श्रीबंधु चैरिटेबल ट्रस्ट ये कार्यक्रम निजक नियोजित करुषान को मोर अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करम प्रत्यक्ष भाव जो भाई भाई मैंने सम्मिलित अच्छा जो मैंने आपको साय करती पृष्ठपोषकता करती समस्त को आज सुंदर दिवस सुंदर मुहूर्त मो श्रद्धार सहित स्मरण कर।